नमस्कार, बायोस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं शशांक। आपको बता दूं, भीषण गर्मी हजारीबाग में पड़ रही थी, लेकिन आज इस गर्मी से तो निजात मिला है। हालांकि बहुत नुकसान देखने को मिल रहा है, और आपको बता दूं, इस भीषण गर्मी में अंधर तूफान से हजारीबाग को सामना करना पड़ा है। और शाम में एक भयंकर तूफान हजारीबाग में आई है, और बहुत सारे पेड़ पौधे गिरे हैं, जिससे कि कितनी ही गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। आपको बता दूं, एक यज्ञ पंडाल का भी वीडियो हमारे पास पहुंचा है, जिसमें जहां यज्ञ हो रहा था उस पूरे पंडाल को नुकसान पहुंचा है। हवा इतनी तेज थी कि कितनी ही कॉर्केट सीट हवा में उड़ गई हैं। नुकसान भरपूर है। आपको बता दूं, पूरे हजारीबाग की बिजली व्यवस्था गड़बड़ा गई है, कहीं भी अभी लाइन नहीं, और पूरा हजारीबाग ब्लैकआउट का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि इस सभी परिस्थितियों को प्रशासन कितनी जल्दी दुरुस्त करता है, लोगों को परेशानियों से कब निजात मिलती है। हालांकि गर्मी से तो राहत मिली है और मौसम सुहाना भी हो गया है अंधर तूफान के बाद, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है, और इस नुकसान के कारण आम जनों को काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन सब चीज़ों को कब दुरुस्त करती है और कितनी जल्दी लोगों को सहूलियत पहुँचती है, बिजली व्यवस्था कब चालू होती है, क्योंकि बिजली नहीं होने के कारण अब अंधेरा होने वाला है, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। देखना ये होगा कि कब ये सब चीज़ें दुरुस्त होती है। मैं शशांक, न्यूज़ बायोस्कोप के लिए। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह खाड़े में कूदे और कुछ उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। नमस्कार, बायोस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं शशांक। आपको बता दूं, भीषण गर्मी हजारीबाग में पड़ रही थी, लेकिन आज इस गर्मी से तो निजात मिला है। हालांकि बहुत नुकसान देखने को मिल रहा है, और आपको बता दूं, इस भीषण गर्मी में अंधर तूफान से हजारीबाग को सामना करना पड़ा है। और शाम में एक भयंकर तूफान हजारीबाग में आई है, और बहुत सारे पेड़ पौधे गिरे हैं, जिससे कि कितनी ही गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। आपको बता दूं, एक यज्ञ पंडाल का भी वीडियो हमारे पास पहुंचा है, जिसमें जहां यज्ञ हो रहा था उस पूरे पंडाल को नुकसान पहुंचा है। हवा इतनी तेज थी कि कितनी ही कॉर्केट सीट हवा में उड़ गई हैं। नुकसान भरपूर है। आपको बता दूं, पूरे हजारीबाग की बिजली व्यवस्था गड़बड़ा गई है, कहीं भी अभी लाइन नहीं, और पूरा हजारीबाग ब्लैकआउट का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ये है कि इस सभी परिस्थितियों को प्रशासन कितनी जल्दी दुरुस्त करता है, लोगों को परेशानियों से कब निजात मिलती है। हालांकि गर्मी से तो राहत मिली है और मौसम सुहाना भी हो गया है अंधर तूफान के बाद, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है, और इस नुकसान के कारण आम जनों को काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन सब चीज़ों को कब दुरुस्त करती है और कितनी जल्दी लोगों को सहूलियत पहुँचती है, बिजली व्यवस्था कब चालू होती है, क्योंकि बिजली नहीं होने के कारण अब अंधेरा होने वाला है, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। देखना ये होगा कि कब ये सब चीज़ें दुरुस्त होती है। मैं शशांक, न्यूज़ बायोस्कोप के लिए।